सब्सक्राइब करें टेक की दुनिया को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप भी हैं कि यूट्यूबर और बनाना चाहते हैं एक बेहतरीन वीडियो, तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक की दुनिया। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों बात करते हैं एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। अगर आप एक यूट्यूबर है दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है अगर आप एक अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको रिक्वायर्ड होगा एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर की। अब दोस्तों बेहतरीन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको इजीली तरीके से आप इसे यूज कर सकें दोस्तों, और उसमें काफी ज्यादा आपको फीचर्स देखने के लिए मिले। अब बात इसे करते हैं दोस्तों, आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा। दोस्तों अगर आप मेरी ओपिनियन, तो दोस्तों मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट होते हैं दोस्तों, तो मैंने सभी सॉफ्टवेयर यूज करे हैं दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं दोस्तों। तो हम इसे डिवाइड करना चाहेंगे तीन कैटेगरीज में। एक होता है बिगनर्स के लिए दोस्तों, दूसरा होता है प्रोफेशनल्स के लिए, और तीसरा होता है दोस्तों एक्स्ट्रा प्रोफेशनल्स के लिए। अब इन्हें डिवाइड करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप है बिगनर्स, देखिए दोस्तों अगर आपने पहले इससे एडिटिंग नहीं की है, मतलब कभी भी एडिटिंग नहीं की है, फर्स्टली अगर आपने यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो आप उसमें एक अच्छी एडिटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कोई भी वीडियोस बनता है तो आप उसमें कहीं ना कहीं कट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फ्रेम्स डालते हैं, आप क्लिप आर्ट डालते हैं, स्क्रॉल डालते हैं, अपना टेम्पलेट डालते हैं, बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप उसमें किस तरह से एडिटिंग करेंगे। जैसे आपने कोई भी एक वीडियो बनाया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एक जो सॉफ्टवेयर है बिगनर्स के लिए, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मैं बताऊंगा, वो है दोस्तों कैम्पिटिसिया। यह है टेकस्मिथ का कैम्पिटिसिया दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। इस सॉफ्टवेयर की बात करना चाहूंगा दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप इसमें कर सकते हैं अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड, पीसी की स्क्रीन को इजिली तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों, और इसमें साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं अलग अलग एनिमेशन, अलग अलग टेम्पलेट्स, अलग अलग आप किसी चीज को हाइड करना है या किसी चीज को ब्लर करना है दोस्तों, या किसी चीज को लाइट करना है, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है दोस्तों, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये सॉफ्टवेयर आपको किस तरह से लगता होगा दोस्तों। तो ये तो हो गई बिगिनर्स की बात। हां अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल के लिए। दोस्तों बिगिनर्स लेवल के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप ये सॉफ्टवेयर का यूज करें। आप यूज कर सकते हैं, अगर फ्री में यूज करना चाहते हैं विंडोज मूवी मेकर है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें क्या जाता है आपको फंक्शंस नहीं मिल पाते। और अभी की माने तो दोस्तों आपको ये मिलता था पहले विंडोज 7 में मिलता था, लेकिन अभी आपको विंडोज 10 के इसमें देखने नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सी इन द डिस्क्रिप्शन दोस्तों, मैंने आपका ये भी सॉफ्टवेयर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है दोस्तों। अगर मेरी माने तो आप कैम्पिटिसिया एक बार यूज जरूर करके देखें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये सॉफ्टवेयर किस तरह से लगता है। तो अगर अगले प्रोफेशनल लेवल की बात करें, तो ये होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल्स। अगर आप हैं विंडोज यूजर दोस्तों, तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा आप यूज कर सकते हैं फिल्मोरा। दोस्तों ये वंडरशेयर का फिल्मोरा है, और इसमें काफी ज्यादा आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, मतलब जो कैम्पिटिसिया का यूज करते हैं दोस्तों। मेरी माने तो आप पहले कैम्पिटिसिया का यूज करें, फिर वंडरशेयर फिल्मोरा का यूज करें। आप फिल्मोरा का यूज अगर पहले ही कर लेंगे, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से क्रॉपिंग की जाती है, कहां से आप क्रॉपिंग करें, कहां से एडिटिंग करें, क्योंकि आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप वो यूज करो या ये यूज करो, आप दोनों यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन कहां है। अगर आप एडिटिंग पहले से करते हैं, तो आपके लिए ईजी होगा, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आप पहले कैम्पिटिसिया यूज करें, फिर उसके बाद वंडरशेयर का फिल्मोरा यूज करें। दोस्तों आप इसे यूज कर सकते हैं इजीली तरीके से, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको मिलता है दोस्तों एनिमेशन काफी अच्छे मिल जाते हैं, वीडियो इफेक्ट मिल जाते हैं, आप फोटो का कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, फ्रेम लगा सकते हैं दोस्तों अलग अलग, और काफी ज्यादा एनिमेशन दे सकते हैं दोस्तों। और इसमें आप बर्न कर सकते हैं, 1080 पिक्सल्स में बना सकते हैं वीडियोस, 360 में भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा दोस्तों, आप पहले कैम्पिटिसिया यूज करें, फिर देन वंडरशेयर फिल्मोरा का यूज करें दोस्तों। ये तो हो गई दोस्तों एक प्रोफेशनल की बात। अगर अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रोफेशनल्स हैं, मतलब आप बहुत ही ज्यादा एडिटिंग करते हैं,
तो आप यूज करें दोस्तों। मैं एक चीज का नाम बताऊंगा, अगर आप हैं विंडोज यूजर तो आप करें Adobe Premiere Pro, और अगर आप हैं मैक यूजर मतलब अगर आपके पास एप्पल के लैपटॉप है तो आप यूज करें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर फाइनल कट प्रो का। तो दोस्तों ये जो दो सॉफ्टवेयर है मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले विंडोज के बारे में, Adobe Premiere Pro के बारे में। ये जो सॉफ्टवेयर है आपको इसमें जो एडिटिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग है, मतलब आप जितने भी मूवीज में देखते हैं तो ये जो एडिटिंग की जाती है ये की जाती है टू सॉफ्टवेयर से, मतलब दो जो सॉफ्टवेयर है, एक होता है मैक यूजर्स के लिए एक होता है विंडोज यूजर के लिए। दोस्तों फाइनल कट प्रो जो सॉफ्टवेयर दोस्तों वो नहीं सपोर्ट करता है विंडोज में, मैंने ये ट्राई कर चुका है एक्चुअली कि ये नहीं सपोर्ट करता किसी भी तरह से, मतलब क्रैकिंग कर लो हैकिंग कर लो कोई नहीं करता, ये नहीं होता है इसमें सपोर्ट। तो आप यूज कर सकते हैं इसमें Adobe Premiere Pro का। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप Adobe Premiere Pro यूज करें, आप जिसे नहीं यूज कर पाएंगे आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये है एक्स्ट्रा प्रोफेशनल का। दोस्तों अगर आप हैं वीडियो एडिटिंग पहले से करते आ रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये इजी होगा, लेकिन ये है Adobe Premiere Pro तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन आपको नए नए फंक्शन जरूर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन थोड़े से बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर माने तो ये जो सॉफ्टवेयर है आप जैसी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं वैसी कर सकते हैं, जैसा वीडियो बनाना चाहते हैं वैसे वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट, मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें मिलियन इफेक्ट्स हैं जो आप अपने वीडियोस में दे सकते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं फाइनल कट प्रो की। तो फाइनल कट प्रो में ऐसा क्या है जो ये जो सॉफ्टवेयर से इनमें नहीं मिलता? देखो दोस्तों फाइनल कट प्रो का ऐसा है कि ये मैक यूजर्स के लिए iOS यूजर के लिए है, लेकिन इसमें आपको मिलता है बहुत ही ज्यादा एडिटिंग, मतलब आप इसमें सिंपल एडिटिंग कर सकते हैं, आपको तुरंत ही ज्यादा फंक्शंस मिल जाते हैं और इजी वे में, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। तो प्रीमियर की बात करें दोस्तों तो फाइनल कट प्रो में तो ये Adobe Premiere ने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मतलब तरह तरह की फाइल्स आपको यहाँ बहुत ज्यादा अंदर अंदर मिलेगा, लेकिन ये जो फाइनल कट प्रो की बात करते हैं तो आपको शॉर्टकट में सारे एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जितने भी ये जो यूट्यूबर्स हैं जो पॉपुलर्स हैं वो यूज करते हैं फाइनल कट प्रो का। अगर आप हैं विंडोज यूजर तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप करें एक, अगर आप प्रोफेशनल लेवल में करते हैं तो आपके लिए Adobe Premiere Pro, बिगिनर्स है तो कैम्पटीसिया, और प्रोफेशनल्स है तो दोस्तों आप कर सकते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा का यूज। तो ये हो गई एक कंप्लीट प्रोसेस कि आप ये जो सॉफ्टवेयर है इनका यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं एक बेहतरीन वीडियोस। अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों और भी सारे सॉफ्टवेयर हैं, मुझे सारे सॉफ्टवेयर पता है दोस्तों, सोनी वेगास का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, और भी ज्यादा है मीडिया एडिटिंग वीडियो सॉफ्टवेयर दोस्तों। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर है ये कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, ये जो सॉफ्टवेयर है कैम्पटीसिया सर फिल्मोरा, एक्स्ट्रा प्रोफेशनल है तो Adobe Premiere Pro, और अगर आप मैक यूजर है तो मैं आपको दूंगा फाइनल कट प्रो का सजेशन दोस्तों। आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, बेहतरीन एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों, तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।